गाइस, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बैगरीज फ्रूट एंड फाइबर म्यूसली स्ट्रॉबेरी विद आलमंड्स एंड रेजिन्स का। तो ये वाला जो पैक है गाइस, इसे हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जो है वैसे ही अच्छी जो है हम लोग डाइट नहीं ले पाते हैं। तो एटलीस्ट जब हम लोग ब्रेकफास्ट करें या अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करें तो कुछ इस तरीके से करें जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए एंड हमारी बॉडी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो ये वाला जो पैक है ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ गाइज। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके वेट के बारे में। तो सबसे पहले गाइज, इसका नेट वेट है 500 ग्राम्स। यहाँ पर इसकी MRP मेंशन की गई है 290 रुपीज़ एंड पैक्ड है ये 14 अप्रैल 2018 का। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग। तो आपको 9 मंथ्स के अंडर इसको जो है यूज़ कर लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गाइज यहाँ पर इसके स्टार्ट योर डे विद बैगरीज परफेक्ट। तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है, हाई इन फाइबर, 40% ओट्स विद रियल फ्रूट क्रश, डिलीशियस टू टेस्ट, सोर्स ऑफ प्रोटीन, मल्टीग्रेन्स, होल ग्रेन्स विद द गुडनेस ऑफ हनी एंड नो एडेड आर्टिफिशियल कलर्स। तो गाइज इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया गया है। प्लस दिस इज अ ग्रेट एज अ स्नैक, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसे ब्रेकफास्ट में ही कंज्यूम करें, जब इवनिंग में जब हम लोगों को थोड़ी सी हल्की भूख हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देन मेड विद द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स, 100% होल ओट्स, देन कैलिफोर्नियन आलमंड्स यूज़ किए गए हैं इसमें, क्रिस्पी व्हीट फ्लेक्स एंड स्किलेंट रेजिन्स। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके अदर वेरिएंट्स का। तो एक इसका ये आता है मिक्स फ्रूट में एंड एक आता है ग्रीन एप्पल में, और ये वाला हमारा स्ट्रॉबेरी वाला है। तो आपको जो भी फ्लेवर जो है आप लोगों को पसंद हो आप उस हिसाब से भी इसको ले सकते हैं। एंड यहाँ पर सर्विंग सजेशंस भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट मिक्स विद हॉट और कोल्ड मिल्क, तो आप इसे ठंडे दूध में भी बना सकते हैं, गर्म दूध में भी बना सकते हैं और आप इसे योगर्ट में भी बना सकते हैं। एड योर फेवरेट टॉपिंग ऑफ फ्रूट एंड नट्स, और आप अपने हिसाब से और नट्स ऐड करना चाहते हैं इसमें तो वो कीजिए, या जो भी सीजनल फ्रूट जो है चल रहा हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। एंजॉय एंड एंजॉय एज अ स्नैक एज इट इज। एंड अब मैं आपको दूसरी तरफ टर्न करके दिखाती हूँ, ये यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्लस आपको किस तरीके से इसको स्टोर करना है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि जस्ट आपने इसको ऊपर से सीजर से ओपन किया और आप इसे इसी बॉक्स में छोड़ दें, उससे क्या होगा कि जो इसकी क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। प्लस इसमें जो है स्मेल एक अलग सी आने लगती है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, इसको ओपन करना है और उसके बाद कोई ऐसा कंटेनर लेना है और उसके बाद आपको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जो है गाइज इसको स्टोर करना है। एंड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है वंस ओपन कंज्यूम विद इन 30 डेज फॉर बेस्ट फूड एक्सपीरियंस। तो आप इसको ओपन करने के बाद में मतलब 30 डेज तक आप लोग इसे यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस आप लोग इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।